देश के अधिकांश लोग 2 जून की रोटी के लिए इधर उधर भागते हैं और आज 2 जून ही है, पर एक जगह छप्पर फाड़ के पैसा बरस रहा है। और मैं आपको कहता हूं, ये दूसरी ऑर्गेनाइज्ड लूट है देश की। और उस छप्पर फाड़ के जहां पैसा बरस रहा है, पूरी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है। देश में आपको जान के ताज्जुब होगा कि जब 2016 से लेके वित्तीय वर्ष 2023 तक जितने केस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में गए, और कौन जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, जो यूनिट बैंकों को पैसा वापस नहीं कर पाती है जेन्युइन या कोई अन्य कारणों से, उनमें से मात्र 17.6% की रिकवरी हुई है। अर्थात जितने आईबीसी में केसेस गए उसमें से लगभग 83% 83% पैसा राइट ऑफ हो गया, हेयर कट हो गया। ये ऑर्गेनाइज लूट नहीं है तो क्या है? जितने केस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के सामने गए, और ये डाटा भारत सरकार के इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूं, जितने केस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के सामने गए उसमें से 75% केसेस में तो स्क्रैप सेल्स हो गई। मतलब जो भंगार के भाव कंपनियां बिक गई। और टोटल जितने केस गए उसमें से रिकवरी हुई 2016 से लेके वित्तीय वर्ष 2023 तक मात्र 17.6%, अर्थात 82.4% जो पब्लिक सेक्टर बैंकों का पैसा था, जो क्रेडिटर्स का पैसा था, जो अन्य बैंकों का पैसा था, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा था, वो डूब गया। उसका कोई अता पता नहीं है। आम हिंदुस्तानी, कॉमन मैन, ऑर्डिनरी सिटीजन 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा है, और यहां पे राइट ऑफ हो रहे हैं 82.4%। और ये मैंने एक साल का राइट ऑफ नहीं बोला है, 2016 से लेके 2023 तक, अभी पिक्चर यहां खत्म नहीं हुई है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को आपको ध्यान होगा, 2016 में कई तालियां पीटी गई, बोला गया ये बिग बैंग रिफॉर्म है, इससे देश की बैंकिंग स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, देश में बैंकों की रिकवरी बढ़ जाएगी। उस समय जो सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट था वहां पे 25% रिकवरी होती थी, और आईबीसी आने के बाद वो रिकवरी मात्र 17.6% रह गई। अर्थात जिस सिका सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, SICA जिसको हम कहते थे शॉर्ट में, जिस सिका को हटा के, जिस बाइफर को हटा के, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को हटा के आईबीसी को लाया गया, ये कह के ढोल नगाड़े पीट के कि ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, इससे बैंकों की रिकवरी पूरी बढ़ जाएगी, उसकी रिकवरी रही पिछले 2016 से लेके 2023 अर्थात पिछले 8 सालों की रिकवरी रही 17.6%, और सिका की रिकवरी थी 25%। साथियों, आपको याद होगा कि कौन कौन लोग हैं जो इन हेयर कट से लाभान्वित हुए हैं, उनका भी नाम लेके आया हूं, कई दोस्त लोग भी हैं, और उन दोस्त लोगों के कितने पैसे राइट ऑफ हुए इस आईबीसी के तहत, वो भी डिटेल आपके सामने रखूंगा। पर उससे पहले आपके सामने एक पूरा पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में कोई अगर यूनिट बैंकों को पैसा नहीं चुका पाती है तो जो उसके देनदार है, क्रेडिटर है, वो आईबीसी के तहत कार्रवाई स्टार्ट कर सकते हैं। आईबीसी दो तरह की कार्रवाई करती है, या तो वो यूनिट को लिक्विडेट कर दे, उसको बंद कर दे, या उस यूनिट को फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए कोई रेजोल्यूशन पारित करे। 75% जो यूनिट आईबीसी में गए वो लिक्विडेट हो गई, स्क्रैप सेल्स हो गई।
मात्र 25% में रेजोल्यूशन चालू किया गया। और उन रेजोल्यूशन में भी आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2016 से लेकर वित्तीय वर्ष 2023 तक रिकवरी मात्र 31.8% हुई, अर्थात जहां पे इसको वायबल बनाया गया वहां भी 68% बैंकों को नुकसान, जहां वायबल नहीं बनाया गया, जहां लिक्विडेशन का निर्णय किया गया वहां रिकवरी है मात्र 5.6%, अर्थात 94% बैंकों का नुकसान। और अगर हम इन दोनों को मिला के ओवरऑल देखें तो ओवरऑल रिकवरी हुई है आईबीसी में मात्र 17.6% इन लास्ट 8 ईयर्स। मतलब सबसे बेस्ट चीज क्या हो गई, बैंकों से पैसा लो, डिफॉल्ट करो, डिफॉल्ट करने के बाद अब बैंक जाएगा आईबीसी में, 17.6% बैंक को वापस दे दो और खत्म, कुछ नहीं, आपका रफा दफा हेयर कट हो गया 84%। जो दूसरी यूनिट आएगी वो 17.6% में इस यूनिट को खरीद लेगी और बैंकों को और कुछ नहीं लेना था। तो क्या इसके लिए आईबीसी बनाया गया था? क्या ऑर्गेनाइज लूट के लिए आईबीसी बनाया गया था कि 84% बैंकों का इस तरह से लॉस हो जाए, हेयर कट हो जाए, उनका जो पैसा है वो डूब जाए? और ये जो डाटा है ये भारत सरकार की का जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड में जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की उसका डाटा है। साथियों, यही नहीं पिक्चर खत्म हुई है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। जो यूनिट आईबीसी में जाती है वो क्या करती है कि आईबीसी के जाने के बाद अपने जो इंपॉर्टेंट एसेट्स है उसको बेच देती है। जैसे कोई रियल एस्टेट कंपनी है, आईबीसी में गई, उसके पास 50 एकड़ का लैंड था, उसको बेच दिया उन्होंने। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं एसेट स्ट्रिपिंग। पिछले 8 सालों में 2,85,000 करोड़ की एसेट स्ट्रिपिंग हुई और सरकार ने उस एसेट स्ट्रिपिंग से कितना रिकवरी करी, 2,85,000 करोड़ का मात्र 1.8%, 2% भी पूरा नहीं। 2,85,000 करोड़ की एसेट स्ट्रिपिंग हुई जो यूनिट आईबीसी के तहत गई, क्योंकि वो बैंकों को अपना ऋण समय पे नहीं चुका पाई, वो 2,85,000 करोड़ के उन्होंने इंडिविजुअल एसेट मार्केट में बेच दिए जो कि इल्लीगल थे। उनमें से आईबीसी कितना रिकवर कर पाई, मात्र 1.8%, 2% से भी कम। ये क्या ऑर्गेनाइज लूट नहीं है तो क्या है? और अब आते हैं अडानी ग्रुप ने इसमें क्या क्या काम किया, उसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट लेके आया हूं। अडानी ग्रुप ने इसका उपयोग करा पोर्ट और पावर कंपनियों को खरीदने में और औने पौने दाम में। 3 कंपनियां 1,000 करोड़ से ज्यादा के मूल्य की, जहां पे उन्होंने रिजोल्यूशन किया 1,000 करोड़ से ज्यादा की, 3 कंपनियां उन्होंने ली। पहली कंपनी जिसका नाम है कराईकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, उसको देना था 2,997, अर्थात लगभग 3,000 करोड़ रुपया बैंकों को इस कंपनी को देना था, केपीपीएल को। अडानी ने बैंकों से सेटलमेंट करके आईबीसी के तहत ये पूरी कंपनी खरीद ली 1,583 करोड़ रुपए में। दूसरी कंपनी कोरबा वेस्ट पावर प्लांट, अडानी को इस कोरबा वेस्ट पावर प्लांट को बैंकों को 3,346 करोड़ रुपया देना था, आईबीसी के तहत अडानी ने इसको खरीद लिया 1,100 करोड़ रुपया देके। 3,346 बैंकों का ड्यू था, मिला कितना, 1,100 करोड़। और अभी तीसरी कंपनी बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है एसआर पावर, 12,000 करोड़ रुपया बैंकों को देना था इस कंपनी को, अडानी ने बैंकों को 2,500 करोड़ रुपया पकड़ा के ये कंपनी ले ली। ये आईबीसी की हकीकत है। और ये सारा आंकड़ा मैंने सरकार के पुष्ट सोर्सेस का आंकड़ा है। इस बाबत हमारा एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल है और वो सवाल ये है, इज क्या आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, क्या आईबीसी ऑर्गेनाइज लूट के लिए लाया गया था? क्या आईबीसी अपने क्रोनी दोस्तों को मोनोपोली डेवलप करने के लिए सेक्टर्स में थ्रो अवे प्राइसेस में कंपनियां पकड़ाने के लिए लाया गया था?
और ये मैं ही नहीं कह रहा, संसद की पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी इसके ऊपर सवाल उठाया। उस पार्लियामेंट्री कमेटी का हवाला देके मैं कोट करना चाहता हूं, पार्लियामेंट्री कमेटी ने 2021 में कहा कि सीरियस कंसर्न्स है आईबीसी में, जिस तरह औने पौने दामों में कंपनियां आईबीसी में जाती है और दूसरी कंपनियों के हवाले हो जाती है 10%, 15%, 20% की वैल्यू पे, और 83% बैंकों को लॉस हो रहा है, तो जो थ्रो अवे प्राइस है उसका कोई बेंचमार्क होना चाहिए, ये 2021 में पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला, पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। 2023 में हालात ये है कि हम 2 जून की रोटी को तरस रहे हैं, पर जो रिकवरी के लिए कंपनी आ रही है आईबीसी में उससे रिकवरी हो रही है मात्र 17.6%, अर्थात 84% का कोई रिकवरी नहीं। वो 84% पैसा, और किसका पैसा है वो? सरकारी बैंकों का पैसा है। अगर वो पैसा डूबता है तो किसका पैसा डूबता है? आपका, मेरा, हर जीएसटी पेयर का पैसा डूबता है, हर वो व्यक्ति का पैसा डूबता है जो पेट्रोल भरा रहा है, जो खाने के लिए आटा खरीद रहा है, जो खाने के लिए दही खरीद रहा है, क्योंकि सब जीएसटी के दायरे में। तो ये पैसा किसका डूबा? और क्यों मोनोपोलीज डेवलप करने के लिए, अपने मित्र कंपनियों की मोनोपोलीज डेवलप करने के लिए थ्रो अवे प्राइसेज में कंपनियां पकड़ाई जा रही है? साथियों, मैं आपके सवाल लूं उससे पहले इश्यू को अंग्रेजी में ब्रीफ करना चाहूंगा। मोस्ट ऑफ अस आर स्ट्रगलिंग फॉर 2 जून की रोटी, बट अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड टोटल रिकवरी ऑफ डेट इज एट ओनली 17.6% ऑफ द एडमिटेड क्लेम्स, रिजल्टिंग इन ए लॉस ऑफ 82.4% फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ देयर क्रेडिट्स और लोन्स। टेक्निकली दिस इज कॉल्ड एज हेयर कट्स। 75% ऑफ द फर्म्स अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एंड अप इन ए स्क्रैप सेल्स, एंड व्हेन ए फर्म एंटर्स इन ए स्क्रैप सेल्स मियर 5% ऑफ द ड्यूज विल बी रिकवर्ड, 95% इज गॉन। एंड दिस इज नॉट माई डेटा, दिस इज द डेटा एज पर द आईबीबी, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। द आईबीसी ऑफ 2016 विच वॉज बिल्ड इन 2016 was called as a game changer and one of the big ticket economic reform by the Modi government, but the reality is that it has turned out to be far worse than its predecessor, that is Sikh Industrial Companies Act and BIFR, the Board for Industrial and Financial Reconstruction. As per the IBBI, that is the Insolvency and Bankruptcy Board of India, total recovery of debt under IBC is at only 17.6% by the end of financial year 2023. In other words, banks in which most of them are public sector banks and other financial creditors have lost 82.4% of their credit or loans through IBC by the end of FY 2023. The debt recovery under IBC is far worse than its predecessor mechanism, which was 25% under SICA. So, pehle 25% recovery hoti thi. Dhol nagade peet ke एक बिग टिकट रिफॉर्म के नाम से आईबीसी लाया गया, पिछले 8 सालों में रिकवरी हुई मात्र 17.6%। आईबीसीज प्राइमरी गोल इज टू रेस्क्यू एंड रिवाइव फर्म्स फेसिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस फॉर डिफरेंट रीजंस एंड प्रोटेक्टिंग द क्रेडिटर्स। दिस इज डिफिकल्ट बिकॉज 75% ऑफ द फर्म्स अंडरगोइंग द आईबीसी प्रोसीडिंग हैव एंडेड अप विद लिक्विडेशन, द रेस्ट 25% इन रेजोल्यूशन। Out of this 75% firms which had gone for liquidation, mere 5.6% is the recovery. In other words, 94% is lost from the firms which had gone under the liquidation. Imagine the magnitude of economic loss, money for bankers, plant and machinery, and most important, the job losses. The parliamentary panel in 2021 had also expressed serious concerns and asked the government to take several steps, including fixing a benchmark for the quantum of haircuts. Parliamentary panel ne kaha ki haircut ki koi seema honi chahiye, 95% haircut nahi ho sakta.
बैंक अपने 95% लोन्स को जाने नहीं दे सकते, आप 5% लेके 95% का हेयर कट करते कर देते हो, उसको रोका जाए, ये पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा, पर कुछ नहीं हुआ। द रिमेनिंग 25% ऑफ द फर्म्स दैट हैड गॉन फॉर रिकवरी थ्रू रिजोल्यूशन रिकवरीज वर रिकॉर्डेड ओनली एट 31.8%, दैट मीन्स दैट देयर इज ए नेट लॉस ऑफ 68% ऑफ द कैपिटल। During the IBC process, asset stripping is prohibited and should be resorted as fast as possible to ensure the firms don't lose their intrinsic value. By financial year 23, the number of such transactions was 871, amounting to rupees 2.85 lakh crore. 2,85,000 crore ki asset stripping hui, jo ki nishedh tha, aur recovery kitni kari IBC ke tahat? मात्र 1.8%, द रिकवरी इज ओनली 1.8% ऑफ 2,85,000 crore ऑफ एसेट्स विच हैड गॉन फॉर द एसेट स्ट्रिपिंग। अडानी ग्रुप विच हैज ऑल्सो यूज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड टू एक्वायर स्ट्रेस्ड एसेट एंड कंसोलिडेट इट्स पोजिशन इन पावर एंड पोर्ट। अडानी हैज मेड 3 सिग्निफिकेंट एक्विजिशन वेयर द रियलाइजेशन फॉर लैंडर्स हैज बीन मोर देन 1,000 crore थ्रू द corporate insolvency resolution process. Adani Port and Special Economic Zone Limited completed the acquisition of Karaikal Port Private Limited. As per the resolution plan, Adani Port paid rupees 1,583 for the Karaikal Port. The admitted claims for Karaikal Ports were 2,997 crore rupees. Karaikal Port 50% mein le liya, chalo bhai. In the acquisition of Korba West Power Plant, Adani is paid only 1,100 crore to financial creditors who had together admitted claims of rupees 3,346 crore. Means Korba West Power Plant you had purchased at 33%. Chalo bhai. Adani was in the case of SR Power, the approved resolution plant provides for payment of 2,500 crore as against the admitted claim of financial and operational creditors to the tune of 12,000 crore. Means the SR power was purchased merely at 20%. The banks lost 80% of their money. So we have a very simple and a straight question for Honorable Prime Minister and Finance Minister of our country. Is IBC mechanism is to rescue and revive stressed firms, or is it another tool for organized loot and helping cronies for creating monopolies by transferring businesses at throwaway prices? We had a very simple question. Honorable Prime Minister sir, Honorable Madam Finance Minister, we would like to get answer that is IBC is to rescue and revive stressed firm? There is no case, because 75% of firms are going for liquidation. And out of 25% which is going for resolution, you are recovering 31% out of those firms. Or IBC is another tool for organized loot, or transferring the companies to your crony friends at throwaway prices so that they can create monopolies. This is the simple question we were raising today.